की परंपरा थी उसको क्या बोलते हैं, रैयतवाड़ी है कि नहीं? मैं कहाँ बैठा सर, जल्दी बताइए तो। हाँ, रैयतवाड़ी और क्या था महालवाड़ी, ये राजस्व वसूलने का एक तरीका था। क्लियर? टैक्स में जैसे बंजर भूमि में कितना लेना है, उपजाऊ कितना लेना है, ये परंपरा था। इस प्रथा को कौन कौन चला रहा था बोलेगा ऐसा, तो चले आराम से। उत्तर भारत में चल रहा था महालवाड़ी, दक्षिण भारत में चल रहा था रैयतवाड़ी, और दोनों का मिश्रण चल रहा था मुंबई में। उत्तर भारत में चलता था राजस्व लेने का प्रथा है, ये प्रोसेस को बोलते हैं क्या, महालवाड़ी। भाषा चेंज है, काम वही है। उत्तर भारत में महालवाड़ी, दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी, और मुंबई में दोनों का मिश्रण बोले तो महालवाड़ी और रैयतवाड़ी। अब तुम मुझसे पूछो कलकत्ता में क्यों नहीं है, क्योंकि कलकत्ता में वो खुद है, ईस्ट इंडिया कंपनी खुद है ना सर, तो तीन जगह इनके निचला अधिकारी बैठा है। तो उत्तर भारत में चल रहा है महालवाड़ी, दक्षिण भारत में चल रहा है रैयतवाड़ी, और दोनों का मिश्रण कहाँ चल रहा है, मुंबई। और इनके किसने लागू किया, ये भी प्रश्न में आता है। तो उत्तर भारत में महालवाड़ी को चला रहा था मार्टिन बर्ड, कौन चला रहा था आपका, मार्टिन बर्ड। दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी को चला रहा था थॉमस मुनरो, कैप्टन मुनरो नहीं, थॉमस मुनरो। और मुंबई में दोनों के मिश्रण को चला रहा था एल क्रिस्टर, हाँ, अंग्रेज सरपंच है लोग। उत्तर भारत में मार्टिन बर्ड, दक्षिण भारत में कैप्टन, हाँ, थॉमस मुनरो, और मुंबई में कौन था बोलेगा, एल क्रिस्टर। उत्तर भारत में मार्टिन बर्ड, दक्षिण भारत में थॉमस मुनरो, और मुंबई में कौन था बोलेगा, एल क्रिस्टर। इन्होंने महालवाड़ी और रैयतवाड़ी को अपने एरिया में लागू किया। इसको बनाने वाला आदमी का नाम क्या था बोलेगा, लॉर्ड हेस्टिंग। आ गया समझ में? उत्तर भारत में महालवाड़ी चला रहा था मार्टिन बर्ड, दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी को चला रहा था थॉमस मुनरो, और मुंबई में कौन चला रहा था बोलेगा, एल क्रिस्टर।